नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बुक्स फॉर यू यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कथा चाणक्य के अध्याय 6 को सुनेंगे, जिसका नाम है एक आदर्श शिष्य को पाने की चाह। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, एक आदर्श शिष्य को पाने की चाह। आचार्य नीति। जिस तरह हर छात्र एक अच्छा अध्यापक पाने का सपना देखता है, उसी तरह हर गुरु भी अपने लिए आदर्श शिष्य की चाह रखता है। भगवद गीता में कहा गया है, जहाँ भी दिव्य कृष्ण और उनके योग्य शिष्य अर्जुन होंगे, वहीं सौंदर्य, नैतिकता, असाधारण शक्ति व दुष्टता पर जीत होगी। इन शब्दों के अनुसार योग्य गुरु और शिष्य का मिलन होते ही सफलता और प्रसन्नता स्वयं ही आगे आ जाते हैं। उनका मिलन परस्पर जादुई और रूपांतरणकारी होता है। आचार्य कथा। मगध चाणक्य के काल में सबसे विशाल भारतीय राज्य था, जिस पर नंद वंश के 9वें राजा धनानंद का शासन था। वह एक गैर जिम्मेदार और स्वकेंद्रित नेता था, जो अपने मंत्रियों की नेक सलाह के बावजूद निरंतर अपनी ही कल्पनाओं और इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता था। एक बार धनानंद के दरबार में दार्शनिक चर्चा के दौरान चाणक्य को राजा के बेतुके बर्ताव से खीझ होने लगी और उन्होंने बाहर जाने का निर्णय लिया। यह देख राजा को अपमान महसूस हुआ और उसने उन्हें दरबार से निकाल दिया। चाणक्य ने क्रोधित होकर शपथ ली कि वह उस सिंहासन से दंभी राजा को हटाकर किसी योग्य और बेहतर व्यक्ति को स्थान देंगे। परंतु ऐसा आदर्श राजा कौन होगा? अर्थशास्त्र के ज्ञाता होने के नाते तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य के अनेक समझदार और संसाधनपूर्ण छात्रों से संपर्क थे, परंतु उनमें से किसी में भी भावी राजकुमार बनने की संभावना नहीं थी। उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी। एक दिन अचानक चाणक्य की तलाश पूरी हो गई। वे एक स्थान से निकले जहां कुछ लड़के खेल रहे थे। अक्सर बच्चों को उनकी ही रौ में देखा जाए तो आप उनके रवैये, समूह भावना, सहयोग, नेतृत्व कौशल और निर्णय निर्धारण क्षमता का पता लगा सकते हैं। वे उस दल को बहुत ही ध्यान से देखने लगे। बच्चों ने दरबार सजाया था। एक बालक सबका राजा बना हुआ था और कुछ बच्चे दरबारी बने बैठे थे। मंत्री राज्य के मामले पेश करते और राजा बना हुआ बालक उनके लिए हल सुझाता। किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए सजग विश्लेषण, हालात को समझने की योग्यता और व्यक्ति व परिस्थिति को अलग कर देखने की आवश्यकता होती है। शासक को दयालु और दूसरों की देखरेख करने वाला भी होना चाहिए, परंतु इसके साथ ही उसके स्वभाव में दृढ़ता और मजबूती भी चाहिए। उसे समानुभूति रखने के साथ साथ अनासक्त भी होना चाहिए। एक अच्छे जज को कानून को समझना चाहिए, पर फिर भी ऐसा ही हो कि वह नियम को समझे ताकि उचित न्याय हो सके। वह बालक ऐसे सभी गुणों का वाहक था, जिसे देख चाणक्य प्रसन्न हो गए। उन्हें उस खेल में आनंद आने लगा। मंत्री बने हुए बालक ने कहा, महाराज, हम इस कर्मचारी का मामला लेकर आए हैं। इसने काम पूरा नहीं किया, पर पूरा मेहनताना मांग रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? काम पूरा किए बिना पैसा भी पूरा नहीं मिलता। कानून के अनुसार काम पूरा होने पर ही वेतन मिलता है, महाराज बने बालक ने कहा। कर्मचारी बोला, महाराज, मैं इस कपड़ा बनाने वाले बुनकर के पास कई सालों से काम कर रहा हूँ। अपने परिवार में केवल मैं ही कमाने वाला हूँ। माता पिता, बीवी और बच्चे मेरी ही आय पर आश्रित है। हाल ही में बीमारी के कारण पूरा सप्ताह काम पर नहीं जा सका। जब वापिस आया तो मैंने अपनी मजदूरी मांगी, पर मालिक ने देने से इनकार कर दिया। मालिक से बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, महाराज बीमार था, मेरे काम का नुकसान हो रहा था, इसलिए मैंने इसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया। अब इसने तो काम नहीं किया, मैं इसे पैसे क्यों दूँ? वह आदमी रोने लगा, महाराज दया करें, मैं कई सालों से काम कर रहा था, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा समय पर काम पूरा किया है, पर बीमारी को कैसे रोक सकता था? गरीब आदमी हूँ, मेरा परिवार तो भूखों मर जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह लेने के बाद ऐलान किया, हालांकि नियम के अनुसार अधूरे काम के पैसे नहीं दिए जाते, परंतु इस व्यक्ति की मेहनत और लगन को नकारा नहीं जा सकता। इतने सालों से काम करने की वजह से यह मालिक के ही परिवार का अंग हो गया है। राजा ने ऐलान किया कि उस आदमी को पूरे सप्ताह के पैसे दिए जाएं, जिस दौरान वो बीमार रहा था। उसने कहा, आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखने के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे कर्मचारियों का कल्याण कैसे हो सकता है।
हमें नए नियम बनाने होंगे ताकि इस तरह के अवकाश में भी कर्मचारियों को उनकी मजदूरी दी जा सके। चाणक्य ने लड़के के न्याय को सराहा। वह न केवल कानून का रखवाला था बल्कि प्रजा की भी देखरेख कर रहा था। उसने एक नया कानून भी बनाया था। उसने एक सच्चे राजा के सारे गुणों का प्रदर्शन किया। चाणक्य ने उस बालक का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य मुस्कुराए। आदर्श गुरु को अपने लिए आदर्श शिष्य मिल गया था। अंतर्दृष्टि। एक छात्र और अध्यापक के मिलन का उचित समय वही है जब वे दोनों तैयार हों। ऐसी भेंट दोनों के लिए रूपांतरण ला सकता है। लोगों को उनके खेल से नहीं बल्कि उस रवैये से परखो जिससे वो खेल रहे हैं। एक राजा को न्याय व्यवस्था के साथ प्रजा का हित साधना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो उनके कल्याण के लिए नए कानून बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल बुक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस कर दें और कमेंट्स जरूर करें और इसी के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।